चल रहे हैं मोक्ष मार्ग। कभी कभी असंख्यात को निर्जरा बढ़त क्रम से न होकर के घटत क्रम से होते, लेकिन निर्जरा तो निर्जरा होती है, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। इसलिए उपशम सम्य दर्शन आदि आदि के साथ तो कारण लब्धि के स्थान होने के कारण असंख्यात गुण निर्जरा प्राय करके घटित करते हैं, लेकिन सामान्य सम्य दर्शन के साथ भी उन्होंने विशेष यदि नमोकार मंत्र इत्यादि की आराधना करता है उसकी भी असंख्यात गुण निर्जरा होती है। वर्तमान समय में बंद की विवक्षा को लेकर के उससे कई गुना हो जाती है, इसलिए तमाम भूयन पोयान पच्चायन गमन आदि आदि स्वाध्याय में जो नमोकार मंत्र का स्मरण आदि कार्य, यह सभी हम लोगों के लिए निष्पादित हो सकते हैं। और इसके द्वारा बन संपयी बंदादो संख्य गुण गुण श्रेणी कम निजरा कारगो नमोकारों का ये नमस्कार मंत्र पंच परमेश्वर का यह मंत्र असंख्यात गुणी कर्म की निजरा करने की क्षमता रखता है। वो आता नहीं कब, हाँ महाराज हमें तो आता ही आता है, लेकिन दूसरा मंत्र देव ऐसे क्यों कहते हो? महामंत्र है उसकी आराधना करो। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो है ही, लेकिन वो कहते हैं पंचगुरु चरण शरण दार्शनिक तत्पुरुष। दार्शनिक वह है पांच परमेश्वरों के शरण को ही चरण को ही शरण मानता है। तो आप अपने हृदय में स्थापित करो पंच परमेश्वर कहीं हो, रिश्तेदारी हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं। ये मणियार डर से भी कुंद कुंद के लिए सुनते हैं। आशीर्वाद आता था, कथा लिखी हुई है उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। इसलिए हमें तो पंच परमेश्वर की आराधना का अवसर मिला है, ये भी अहो भाग्य है। बोलते हैं अहो भाग्य अर्जित करना है, सभी विशेषणों से अहो भाग्य उत्तम माना जाता है। संख्या क्यों लगाते हो? सौ सौ भाग्य, सौ सौ भाग्य, अहो भाग्य। अहो मैंने आज के वर्तमान के भाग्य कमजोर नहीं है, अहिंसा परमो धर्म।